नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। भाजपा जनजाति मोर्चा के जिला संयोजक ईश्वर लाल सरपोटा, गोवाड़ी सरपंच पुष्पा देवी सरपोटा एवं उप सरपंच वासुदेव पाटीदार ने मांग की है कि डूंगरपुर मेन रोड गोवाड़ी से लगाकर नंदोड तक मेन रोड पर नीलगिरी के पेड़ जर्जर हो रहे हैं, जिससे आंधी हवा से रोड पर वाहन वाले एवं पैदल जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से वृक्ष को हटाया जाए। पिछले समय आंधी हवा से काफी लोगों के वाहनों पर नीलगिरी के पेड़ गिरने से भी घायल हो गए थे। इसी तरह पिछले 3 दिनों से आंधी हवा से पुराने कच्चे पक्के मकान गिर गए हैं। एक तरफ जहां कोरोना लॉकडाउन की मार, वहीं दूसरी तरफ घरों का गिरना, गरीबों बेसहारा लोगों का बेघर होना चिंता का विषय है। इसलिए प्रशासन से मांग है कि पटवारी मौका पर्चा बनाकर गरीब असहाय लोगों को लाभान्वित करे। जनजाति मोर्चा के जिला संयोजक ईश्वरलाल जी सरपोटा, जो अपने पंचायत की सागवाड़ा पंचायत समिति की बात आपके सामने रखेंगे एकता समाचार के माध्यम से। जी बताइए ईश्वरलाल जी, क्या समस्या है आपकी? हमारे आए दिन ये एक समस्या हो रही है कि गोवाड़ी बस स्टैंड से लगा के पाडला अल्लिया के बीच में जो जर्जर अवस्था में लीलगरिया हो गई है, एक दो हाथ से पहले भी हो चुके हैं। नटवर भाई गामड़ा ब्राह्मणिया, जो कि तत्काल उनका देहांत हो गया। इसी तरह एक बार मोहन जी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो ये लीलगरिया, अभी मैं प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि तत्काल जो जर्जर अवस्था में जो लीलगरिया हैं उन्हें तत्काल हटा दी जाए, ताकि हादसा आगे न हो। कल भी देखा है, थोड़ा बारिश के अड़जड़ के कारण से, तूफान के कारण से एक दो लीलगरिया नीचे गिर गई है। अच्छा हुआ कि कोई नीचे नहीं आ सका। क्या रोड पे है सब? ये सब रोड पे ही है। अच्छा, टोटली रोड पे है, गोवाड़ी से लगा के पाडला अल्लिया के बीच में, और बहुत पुरानी हो चुकी है ये। हमारे कहाँ से कहाँ तक मांग कर रहे हो आप? गोवाड़ी से लगा के पाडला अल्लिया के बीच में, इन्होंने रोड में ज्यादा है। ईश्वरलाल जी ने जो बात रखी है वो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ एकता समाचार के माध्यम से, कि ये जो हादसे का अंदेशा देने वाली जो चीजें, उसको हटाया जाए। प्रशासन से ये हम मांग करते हैं कि भाई गोवाड़ी से लगा के पाडला हंडेलिया तक जो रोड के ऊपर नीलगिरिया जो बड़ी बड़ी हो गई और जर्जर हो चुकी है, जो एकदम गिरने के कगार पे है, उसे हटाया जाए। ये प्रशासन से मांग करते हैं ग्रामवासी और यहाँ के हमारे जनजाति मोर्चा के ईश्वरलाल जी सरपोटा और उप सरपंच साहब हमारे सामने। उप सरपंच साहब, आपकी तारीफ बताइए। सर, मैं गोवाड़ी ग्राम पंचायत से उप सरपंच वासुदेव पाटीदार बोल रहा हूँ। ये हमने सरपंच साहब ने हमारे जो स्थिति बताई गोवाड़ी से लगाकर जो पाडला हंडलिया तक, वास्ते वो पुरानी नीलगिरिया और वो जर्जर हो चुके और कई प्रकार के हादसे हुए, और हमेशा ये ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे कि हमेशा हर हादसे में दौड़ करके, मतलब उनको कहीं ना कहीं प्रकार से सहयोग, 24 घंटे रात में भी हुआ तो भी दौड़े हैं ये, हमेशा दौड़ते रहे हैं। तो हमेशा हमें ये दुख होता है कि हमारे सामने, और हम ऐसे मेन रोड पर, हमारे गोवाड़ी गाँव है, तो इस तरह से हादसे होते हैं, तो हमें बहुत दुखदायी होता है ऐसे सुन करके और ऐसी घटनाएं घटती है। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन इसमें सक्रिय हो जाए, और ये इस प्रकार से तूफान से हमें संभव, अभी भी तूफान निकला 2 दिन पहले, कई गांवों में नुकसान हो चुका है। तो इस तरह से स्थिति को देखते हुए जो जर्जर हो चुकी नीलगिरिया वगैरह जो भी पेड़ है, उनको जल्दी से जल्दी उनको हटा करके, मतलब सुविधा, आवागमन वालों की सुविधा हो जाए, बस यही आपसे विनती है सर। अंत में एक और मैं प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ कि ओबरी संभाग, ओबरी क्षेत्र में बरबो दुनिया, विराट, डेचा, बिल्लिया, बड़गमा, सभी क्षेत्र में घोटाद, उस क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले तूफान आया, उसमें कच्चे मकान, कैलूफोश मकान टोटली उड़ गए हैं, टीन शर्ट उड़ गए हैं, लोगों का खूब नुकसान हो गया है। एक तो कोरोना की मार थी, एक ये फिर दूसरा हादसा हुआ है। तो मैं विद्युत, टोटली विद्युत लाइनें भी उखड़ गई हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि पटवारी रिपोर्ट से अनुसार जो भी मुआवजा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए, वो जितना फायदा हो सके उन गरीब लोगों को राहत दी जाए, यही मेरी प्रशासन से अपील है और मांग है। जो लोग बीपीएल परिवार और ऐसे भी एपीएल में भी हैं और गरीब स्थिति में हैं, सबके मकान उड़ गए हैं, तो मैं
पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उचित मुआवजा बना के राज्य सरकार को भेजा जाए और तत्काल उनको लोगों को राहत दी जाए, यही मैं प्रशासन से अपील करना चाह रहा हूँ।